Surround yourself with positive people who will support you during your bad days, not just your good days. Never stop being a good person because of bad people. कालने में एक मायावी राक्षस था। मायावी राक्षसी ताटकी उसकी दादी और मारीच उसके पिता थे। ताटकी ओ थी जिसका वध श्रीराम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षण हेतु किया था। कालने में अपनी माया से किसी का भी रूप धारण कर सकता था, इसलिए रावण ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध के समय मेघनाद के अस्त्र के कारण जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब लंका के राजवैद्य सुषेण से सूर्योदय से पहले तक हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी जड़ी बूटी लाने का सुझाव दिया गया था। ये सुनकर हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी लाने निकले। ये बात जब रावण को पता चली, तब हनुमान जी का रास्ते में ही अगर वध किया जाए तो बगैर संजीवनी लक्ष्मण की भी मृत्यु हो जाएगी, जिससे श्रीराम सभी तरह से कमजोर हो जाएंगे। ये सोच आते ही रावण ने हनुमान जी का बीच रास्ते में ही वध करने का काम कालनेमी को सौंपा। तब कालनेमी हनुमान जी हिमालय जाने के रास्ते में एक पहाड़ पर अपनी माया से साधु का वेश धारण कर वहां आसपास झील कुटीर बनाकर एक पेड़ के नीचे राम नाम जाप करने लगा। आकाश में उड़ते हुए हिमालय की ओर जाने वाले हनुमान जी ने राम नाम जाप करने वाले साधु रूप कालनेमी को देखकर रुक गए। कालनेमी ने तब हनुमान जी को विश्राम लेने को कहकर वह अपनी शक्ति से हनुमान जी को कुछ पल में ही हिमालय पहुंचाने का वादा किया। हनुमान जी साधु के बातों में आकर उसके कहने पर झील में स्नान करने गए। हनुमान जी को ये नहीं पता था कि कालनेमी ने झील में एक मगरमच्छ को उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। हनुमान जी झील में उतरते ही मगरमच्छ ने उन पर हमला किया, लेकिन वह हनुमान जी के द्वारा मारा गया। मरने के तुरंत मगरमच्छ हनुमान जी के सामने एक अप्सरा के रूप में प्रकट होकर कालनेमी के योजना के बारे में बताई। ये सुनते ही क्रोधित हुए हनुमान जी ने साधु रूप कालनेमी के पास जाकर उसका वध किया और इसके बाद उन्होंने फिर हिमालय की ओर उड़ान भरी।